एलिजाबेथ का प्रसव काल पूरा हुआ और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जब पड़ोसियों और परिजनों ने यह सुना कि एलिजाबेथ पर यह अनुग्रह हुआ है तो वे भी उनके इस आनंद में सम्मिलित हो गए। आठवें दिन वे शिशु के खतना के लिए इकट्ठा हुए। वे शिशु को उसके पिता के नाम पर जकरिया पुकारने लगे, किंतु शिशु की माता ने उत्तर दिया, नहीं, इसका नाम योहन होगा। इस पर उन्होंने एलिजाबेथ से कहा, आपके परिजनों में तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने शिशु के पिता से संकेत में प्रश्न किया कि वो शिशु का नाम क्या रखना चाहते हैं। जकरिया ने एक लेखन पट मंगाकर उस पर लिख दिया, इसका नाम योहन है। ये देख सभी चकित रह गए। उसी क्षण उनकी आवाज लौट आई, उनकी जीभ के बंधन खुल गए और वो परमेश्वर का स्तुति करने लगे। सभी पड़ोसियों में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव आ गया और यहूदिया प्रदेश के सभी पर्वतीय क्षेत्र में इसकी चर्चा होने लगी। निसंदेह प्रभु का हाथ उस बालक पर था। जिन्होंने ये सुना उन्होंने इसे याद रखा और ये विचार करते रहे, क्या होगा ये बालक,